नमस्ते। आज पैगाम संवाद को हम एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। रूबी जागृत एक भारतीय नेचुरल डाई आर्टिस्ट है और उनकी जो पेंटिंग्स रही है वो उन्हीं के लाइफ एक्सपीरियंसेस और सराउंडिंग्स पर आधारित है। 2015 में उन्होंने अबीर इंडिया की शोध की है, जिसका एम रहा है कि जो इंडिया में छुपी हुई यंग टैलेंट्स है उनको ढूंढे और उनके आर्ट को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करे। तो रूबी जी, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, उनके बेनिफिशियरीज कौन रहे हैं, एंड जो कंज्यूमर्स ऑफ आर्ट है जो उनको खरीदते हैं वो कौन रहे हैं? बेनिफिशियरी कहेंगे तो मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अभी इंडिया एक फाउंडेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, एंड जिसके अंदर हम हैंड होल्डिंग करते हैं, सपोर्ट और मेंटरिंग करते हैं यंग इंडियन आर्टिस्ट का, यंग इंडियन कंटेम्प्रेरी विजुअल आर्टिस्ट का। और बेनिफिशियरी एनीबडी हु इज सिंसियरली परस्यूइंग दैट आर्ट, वो उसका बेनिफिशियरी है। और जो एक सिंसियरिटी के साथ अपने पैशन को फॉलो करता है, जिसने उसके अंदर एक पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की है और अपनी उस शिक्षा को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की तवज्जो रखता है, वो सभी हमारे बेनिफिशियरी है। और अब तक हमने भारतवर्ष के सभी राज्यों से करीब करीब more than 7,000 artists के साथ we have touched base and touched their lives, and हर साल ये कोशिश करते हैं कि हम जितने से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें, ये हमारी कोशिश होती है अभी इंडिया में। तो आपने जैसे कहा कि आपका aim उन पे रहता है जिनको art as a profession शायद लेना हो, तो अब क्या कहेंगे कि इंडिया में अभी current situation क्या है artists की? क्या आर्ट वही लोग परस्यू कर सकते हैं जिनके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिविलेज हो, या कोई भी परस्यू कर सकता है एज अ प्रोफेशन? ऑन द कॉन्ट्ररी, वी आर ओनली सपोर्टिंग आर्टिस्ट हु हैज लेस प्रिविलेज। सो प्रिविलेज और पैशन का कोई मेल नहीं होता है। इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग दैट पीपल विद प्रिविलेज शुड नॉट pursue art. Anybody who, let me just come back to Hindi, जिसके भी लिए, जिसके भी अंदर आर्ट के लिए एक पैशन है, एक खेवना है कुछ करने की उसके बारे में, वो आर्टिस्ट बन सकता है, जो अपने एक अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ उसको परस्यू करता है और उसको अपने जीवन जीने का तरीका बनाता है, वो आर्टिस्ट है। आर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ। सो privilege or under privilege or not privilege is not the criteria. The criteria is how sincere you are for art, for your pursuit. And your question was, I just didn't get your... What is the situation? Artists all over India ki is last 2 years, because mera foundation bahut kareeb se kaam karta hai young artists ke sath. तो पिछले 2 साल तो हालांकि बहुत ही खराब रहे हैं यंग आर्टिस्ट के लिए, और क्योंकि कहीं पे भी आर्ट शोज नहीं हो रहे हैं, कहीं पे भी आर्ट फेयर्स नहीं हो रहे हैं, हर जगह पे आर्ट एग्जीबिशंस बंद हैं। तो पिछले 2 साल से यंग आर्टिस्ट जो कि, व्हेन आई से यंग आर्टिस्ट, लाइक अपकमिंग आर्टिस्ट, नॉट यंग इन एज बट अपकमिंग आर्टिस्ट, जिनको जिनके पास एक सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं है या उनका एक नाम एक जगह पे नहीं पहुंचा है, उनको तो हालांकि बहुत ही दे आर इन ट्रबल, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें जो हमने सोची थी ऐसे नहीं हो रही है। तो अगर करंट सिनेरियो में कहूंगी तो बहुत हालत खराब है फॉर यंग इंडियन आर्टिस्ट, बिकॉज आर्ट कम्स लेट, यू नो, वेरी वेरी लास्ट। पहले रोटी, कपड़ा, मकान होता है, फिर आर्ट होता है। सो व्हेन पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर ऑक्सीजन, इट्स अ वेरी sad state of it's a very sad state of situation where people to ki log art ke bare mein soche
जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो आर्ट के बारे में कौन सोचेगा. सो इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यंग इंडियन कंटेम्पररी आर्टिस्ट फॉर श्योर. आप जैसे आपने कहा कि अभी टफ टाइम्स है, पर जैसे हैव डू यू नो पीपल और डू यू नो आर्टिस्ट्स जिन्होंने आर्ट के माध्यम से यही जो डिफिकल्ट टाइम है वो पोर्ट्रे किया है, जो पैंडेमिक की डिफिकल्टी रही है, जो रिसोर्सेज की डिफिकल्टी रही है, कोई ऐसे आर्टिस्ट्स है, कोई यंग आर्टिस्ट्स या स्केच आर्टिस्ट्स, कोई भी जिन्होंने ये सिचुएशन को आर्ट में बदला है? That we'll get to know, क्योंकि वो सभी लोग अपने स्टूडियो में काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अभी स्टूडियो से बाहर नहीं आया है. So it's too early to say कि इसने काम किया कोविड पे. It's too early to say that. Those kind of work will only emerge out of their studios once the things are normal and once things are ready to put on the wall. Right now we have not come across work which I can say कि ये कोविड के लिए किया है या post कोविड किया या उसने अपना कोविड experience share किया है. जरूर करते होंगे बिकॉज आर्टिस्ट डू पेंट जो अपनी अपनी जो भावनाएं होती है, अपनी संवेदनशीलताएं होती है, अपनी जो उन्होंने खुद अपने प्रत्यक्ष जीवन में जो जो सहा है वही को उसी को पेंट करता है. तो आई थिंक दैट वर्क विल कम, दैट वर्क विल इमर्ज वंस द थिंग्स आर नॉर्मल एंड पीपल आर रेडी टू गो बैक टू देयर स्पेस एंड यू नो स्टार्ट पुटिंग अप एग्जीबिशंस एंड स्टफ लाइक दैट. तो आप कोई इंस्टेंस कह सकते हैं जहां अबीर ने और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं उन्होंने कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई आर्टिस्ट को ढूंढा है कोई भी कॉर्नर ऑफ इंडिया से जो एकदम सरप्राइज था या कोई एक नई एकदम इमर्जिंग टैलेंट? देयर आर लॉट ऑफ देम, बहुत सारे लोग हैं. लाइक मैंने कभी सराफ अली का नाम नहीं सुना था. अंदरबार निकोबार से हमने आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने हमारे एग्जीबिशन में पार्ट लिया है. वी हैव आर्टिस्ट फ्रॉम मेघालय, वी हैव आर्टिस्ट फ्रॉम स्मॉल टाउन ऑफ नियर ईटानगर इन सेवन सिस्टर्स. सो आई थिंक क्या देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस जो हमारे ये 5 साल के सफर के दरमियान हमें मिले हैं. और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, एजुकेटेड स्किलफुल आर्टिस्ट हमें उन्होंने हमें ढूंढा है, उन्होंने हमने उनको नहीं ढूंढा है. दे हैव समहाउ फाउंड अस, इट शुड बी अदर वे अराउंड. वी हैव नॉट फाउंड देम, दे हैव फाउंड अस. एंड हमारे पास जम्मू कश्मीर से भी आर्टिस्ट हैं, आंध्र निकोबार से भी आर्टिस्ट हैं. 2018 में वी हैड विनर फ्रॉम मिजोरम जिन्होंने हमारा कॉम्पिटिशन का अवार्ड जीता था. तो या सो वी हैव बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से हमको ढूंढ लिया है और हमारे इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं. व्हेन आई से, जब मैं ये कह रही हूँ कि 7000 आर्टिस्ट की प्रोफाइल है, तो ऑफ कोर्स दे आर फ्रॉम वेरी वेरी डिफरेंट प्लेसेस, बहुत अलग जगह पे, छोटे शहरों से, दूर दराज के जगह से, और वो सब लोग हैं. तो जैसे कि जो शब्द है आर्टिस्ट, उसके अंदर काफी सारी टैलेंट्स आती है, जैसे कि कोई थिएटर आर्टिस्ट हो, कोई सिंगर हो, कोई डांसर हो. तो क्या आपके क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन उनको भी मदद करने की सोच रहा है और वो लोग कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? सो एज यू राइटली सेड कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट वो दोनों डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन होते हैं. परफॉर्मिंग आर्ट एक जिसे हम अस्थाई भाव कहते हैं. अस्थाई भाव इसलिए कहते हैं कि जब वो स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है वो उसका एक क्षणिक जीवन होता है और वो जीवन के बाद वो खत्म हो जाता है और फिर वो दोबारा दूसरी जगह नया जीवन लेके फिर से परफॉर्म होगा. तो उसे अस्थाई भाव कहते हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं उसको. और जो विजुअल आर्ट होते हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग है, सेरीग्राफ है, सिरेमिक है, टेराकोटा, ये सब जो चीजें हैं वो एक स्थाई भाव है. क्योंकि उस वक्त आर्टिस्ट ने जो सोच के उसको बनाया है वो जब अपना एक रूप ले लेगा वो ऐसा ही रहेगा. जब तक वो डैमेज नहीं होता है तो उठता नहीं. नॉर्मली वी डोंट एक्सपेक्ट एन आर्ट वर्क टू गेट डैमेज और ब्रोकन, बट तब तक वो वही भाव में रहेगा, उस भाव को पकड़ के रखेगा. तो अब तक हमारी जो जर्नी रही है, हमारा जो सफर रहा है, वो नॉर्मली विजुअल आर्ट की तरफ ही रहा है. मैं खुद एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मैं सोच रही थी कि अगर हम विजुअल आर्टिस्ट के लिए भी कुछ कर पाए तो बहुत है. परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को इंक्लूड करना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा व्याप है जिसको हम
Satani, we need another lifetime to do work for them probably. But I would love to, why not? So we have done some collaborative project with performing arts, but my foundation, हमारी फाउंडेशन की जो अम्ब्रेला है उसमें सिर्फ अभी तो हम विजुअल आर्टिस्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं. जैसे कि ऐसे सुना था कि स्कॉलरशिप्स दी गई है आर्टिस्ट को, तो वो कौन से आर्टिस्ट को फोकस की गई और किस तरीके की स्कॉलरशिप्स दी गई थी उनको? राइट नाउ वी आर नॉट गिविंग स्कॉलरशिप. वी वर गिविंग स्कॉलरशिप बिफोर 3 years. नाउ वी ओनली प्रमोट आर्टिस्ट एंड वी यूजुअली गिव स्टूडियो रेंट एंड बिकॉज ऐसा लगता है कि जब एक बार पढ़ाई खत्म हो जाती है उसी के बाद एक जर्नी शुरू होती है, एक स्ट्रगल शुरू होती है, तो हम वहीं से उनका हाथ थामने की कोशिश करते हैं. और वो सारे विजुअल आर्टिस्ट हैं, वो पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं या ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, तो वही सारे विजुअल आर्टिस्ट ही हैं उसमें, जो भी हमने जिसको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है. तो आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन रहा है तीन उसके अबीर के बाद अबीर पोठी था, अबीर स्पेस है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में आपको कैसी कैसी दिक्कतें आई है? व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड, लाइक मे बी फ्रॉम द सोसाइटी और यू नो एक्सटर्नल हेल्प, एज इन व्हाट आर द चैलेंजेस यू माइट हैव फेस्ड? Honestly, I have not faced any challenges. I think when you are determined, when you know what you are doing, when you know, हिंदी में कहें तो जब आपको पता होता है आपकी मंजिल तो सफर ऐसा हो जाता है. तो मेरा मुझे पता है कि मेरी मंजिल क्या है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, और फिर वो चैलेंजेस छोटी मोटी हो तो भी चैलेंजेस नहीं लगती हैं. ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ गेम, यू नो, वो हो जाएगा. जैसे बिकॉज ऑफ कोविड पूरा ऑफिस, लाइक एंटायर टीम वॉज आइदर सिक और दे वर नॉट कमिंग टू द ऑफिस, दे हैड सम प्रॉब्लम, तो वो चैलेंज सबके लिए था, तो हमारे लिए भी था, तो उसको हम चैलेंज की तरह नहीं देखते. फाउंडेशन शुरू करने में शुरू करने से पहले बहुत सारी चैलेंजेस लगती थी कि कैसे करेंगे, हाउ वी कैन रीच आउट टू लॉट ऑफ पीपल, पर उसको शुरू करने के बाद नहीं लग रहा है कि कोई अगर चैलेंजेस हैं तो भी आई डोंट सी देम एज चैलेंजेस. आई थिंक इट्स वे ऑफ लाइफ फॉर मी, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स अबीर इज माई जर्नी एंड आई थिंक आई डोंट सी आई डोंट फोकस ऑन चैलेंजेस. एंड जब आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आई थिंक it doesn't matter ki challenge is a very big word, I don't even want to pay attention to that. karte raho jisme aap believe karte hain, mujhe lagta hai ki jisme aap believe karte hain us agar us cheez ko aap karte rehte hain then challenges becomes they nullify, you know, wo dikhte hi nahi hai fir aapko. agar challenge to tab haas kahiye nahi, dukh to tab hota jab main ye sab nahi kar pati hu, no, tab hota hai. lekin जब आपका कन्विक्शन लोग देखते हैं आसपास के, व्हेन यू से सोसाइटी, मतलब जब लोग आपका कन्विक्शन देखते हैं तो मुझे लगता है नोबडी, देन यू डोंट गेट वरीड, लोग नहीं रोक सकते आपको. तो अगर चैलेंजेस नहीं तो आपको पॉजिटिव हेल्प कैसी रही है, एज इन कनेक्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस दैट यू हैव मेट ये जर्नी थ्रू? I think it's all my artists are inspiring stories for me. मेरे जितने भी artists हैं जो हर जगह से हैं और वो सारे मेरे लिए एक inspiring stories जैसे हैं और मैं उनसे सीखती रहती हूँ. And I learned a lot from the process. जो मैं मेरा रोज का काम है उसी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा inspiration मिलता है. कोई मिजोरम में रहता है वो चार घंटे मिजोरम के किसी दूर गांव में रहता है, वो चार घंटे गाड़ी से आके अपना फ्लाइट पकड़ के द फर्स्ट बिगेस्ट एयरपोर्ट इज कलकत्ता, फिर कलकत्ता से वो दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से वो अहमदाबाद आता है जस्ट टू रिसीव एन अवार्ड. द स्टोरी इटसेल्फ इज सो इंस्पायरिंग. सो जब हमारे जो विनर थे सोमन राय, जब उनको अवार्ड मिला तो वो जब आ रहे थे तो लैंडस्लाइड हो गया मिजोरम में, तो ही मिस्ड हिज फ्लाइट. But still somehow managed and he came in another flight. तब तक तो award ceremony वो सब खत्म हो चुका था और उसका वापस जाने का flight भी almost वो ही समय हो गया जब तक वो पहुंचे. तो मैंने कहा कि सेवन तुमको आना ही नहीं चाहिए था, मतलब you are here for 3 hours all the way from Mizoram. तो he said कि नहीं, मैं सिर्फ आपको देखने मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि मेरा artwork gallery में कैसा लगता है. Now that was a very big, very touching moment for me कि कोई सिर्फ मिजोरम से
अपने पैसे, क्योंकि हमने जो टिकट उनको स्पॉन्सर किया था वो फ्लाइट तो उन्होंने मिस कर ली, तो अपने पैसे से टिकट खर्च के आए 3 घंटे के लिए अहमदाबाद, ओनली फॉर 3 आवर्स, सो दैट ही कैन मीट मी, ही कैन सी हिज वर्क इन द आर्ट गैलरी एंड रिसीव हिज अवार्ड. तो मैंने फिर उनको अपना ट्रॉफी दिया, उनका अवार्ड जो भी सब कुछ था वो दिया, उनको कैटलॉग दिया, एंड ही सेड कि आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड सी माय वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ आर्ट गैलरी. तो वो बहुत ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं पिछले 7 सालों में जिन्होंने मुझे बहुत बल दिया है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन चैलेंज बिकॉज दिस स्टोरीज गिव्स मी सो मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. तो मेरे लिए सपोर्ट यही है कि ये बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन मी. जब भी मैं कुछ नया करने की कोशिश, जैसे मैंने अभी स्पेस किया तो मैंने कहा कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे और उनका काम बेचेंगे और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो कभी भी अपने घर पे पाम टॉप पे डेस्कटॉप पे आर्ट वर्क को देख पाए. मैंने जैसे ही अनाउंस किया मोर देन 100 आर्टिस्ट ज्वाइंड अबीर स्पेस विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ अश्योरेंस फ्रॉम मी. मुझे भी नहीं पता था वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा जब हम शुरू कर रहे थे. दे जस्ट ट्रस्ट मी एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एंड वो बहुत ही प्रेरणादायी होता है जब आपको बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं. तो दैट इज हाउ अबीर स्पेस स्टार्टेड एंड अबीर पोथी इज अगेन वेब मैगजीन. इन दैट वेब मैगजीन वी ट्राई एंड गिव वॉइस टू अनहर्ड वॉइस ऑफ इंडिया और वो उसमें हम वो सारे लेख प्रकाशित करते हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं. जो जो एक आर्टिस्ट की, जैसे तुमने पूछा कि आर्टिस्ट की स्ट्रगल क्या होती है, और मेरे लिए तो उनके उसके बारे में बात करना ही एक सेटिस्फेक्शन देने की बात है कि भाई कोई मिजोरम से लड़का आ रहा है तो, और उसके पास उसके लिए उसकी स्ट्रगल की स्टोरी कुछ और होगी. So we are trying to include those stories in Abir Pothi. So Abir Pothi and Abir Space is relatively young foundation. I mean, young venture. February mein shuru hua. Abir India is like 7 years old now. So yahi kahani hai ki jisme aap believe karte hain, aap karte jaiye, and people will come along and they'll trust you and they'll love you. I think that's the key. That is a very inspiring story. And I'm sure there are so many more artists, और कितने सारे artists होंगे जिन्होंने सिर्फ अपना art दिखाने के लिए या एक publish हो या फिर galleries में देखे, उन्होंने कितनी struggles भी face की होगी. तो बस अंत में आप हमारी audience को क्या message देंगे regarding art appreciation और कैसे हम art को हमारी daily lives में भी include कर सकें? सबसे पहले तो ये बहुत एक 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 तरह का मिथ चल रहा है कि आर्ट मुझे समझ में नहीं आता. लॉट ऑफ पीपल आई कम अक्रॉस 90% ऑफ टाइम वो कहते हैं मुझे आर्ट समझ में नहीं आता. तो मैं कहती हूँ कि क्यों, आप जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि ये अच्छा लग रहा है ये बुरा लग रहा है. इट इज एज सिंपल एज दैट. आइदर यू लाइक सम आर्ट वर्क और यू डोंट लाइक आर्ट वर्क. तो वो मिथ है कि मुझे आर्ट, सबके अंदर वो एस्थेटिक्स होता है अच्छे या बुरा का, वो टेस्ट अलग हो सकता है सबका. कि जो देवांशी को अच्छा लगेगा वो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जब मुझे अच्छा लगेगा वो देवांशी को लगेगा. वो डिफरेंस रहता है सबके अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर सबके लिए अच्छे और बुरे की एक व्याख्या होती है. तो पहले तो सभी लोगों को अपने दिमाग से ये मिथ निकाल देनी चाहिए कि आर्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड आर्ट. वो एक बहुत गड़बड़ अपने सोसाइटी का अपब्रिंगिंग ही ऐसा है कि लोग को लगता है आर्ट इज नॉट समथिंग विच इज विद इन अस, इट इज समथिंग आउटसाइड अस. तो वो एक गलत चीज है. दूसरा कि यू नो जितना हो सके उतना आर्ट जब हम देखते जाते हैं तो हम आर्ट को अप्रिशिएट करना, उसको अच्छे से देखना शुरू करते हैं और उसको देखना सीख जाते हैं. फिर आपको ऐसे ही पता चलेगा कि ये आर्टिस्ट अच्छा है, ये वर्क मुझे अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है. टू रीच टू एन ओपिनियन यू हैव टू लुक एट लॉट ऑफ आर्ट वर्क. अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन भी यू कैन एक्सपीरियंस द आर्ट वर्क एंड आर्ट गैलरीज एंड ऑल, लॉट ऑफ आर्ट गैलरीज आर पुटिंग अप देयर एग्जीबिशन ऑनलाइन, तो वो भी देख सकते. दूसरा यह है कि ओरिजिनल आर्ट, और सबसे बड़ा मुझे लगता है जो चैलेंज होता है बायर के लिए वो डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक आर्ट है या कोई कॉपी है या कोई रेडीमेड मार्केट से निकला हुआ कुछ ओवर द शेल्फ डेकोरेटिव पीस है कि आर्ट पीस है. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसके
आर्टिस्ट की आर्टिस्ट स्टेटमेंट पढ़ी है कि वो आर्ट वर्क कहाँ से निकला है, उसमें कौन सी चीजें यूज की गई है, उसका मटेरियल क्या है, उसका मीडियम क्या है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है. जब आप थोड़ा बहुत उसके आजू बाजू पढ़ते हैं तो आपकी समझ में आता है कि ये अच्छा काम है और ओरिजिनल काम है. तो मैं आपके व्यूअर के लिए सिर्फ यही कहूंगी कि आप आर्ट देखना शुरू करिए, आर्ट को अप्रिशिएट करिए. बहुत सारे यंग आर्टिस्ट हैं जो एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत जरूरत है कि लोग उनको एक्नॉलेज करें, उनको पहचाने, उनके काम को देखें और उसको उसको खरीदें, तो वो सर्वाइव हो पाएंगे. तो मेरे ख्याल से यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिलीव इन देम, सपोर्ट देम, बाय देयर वर्क. व्हेन आई से सपोर्ट देम, इट्स नॉट दैट यू दे नीड चैरिटी, दे नीड, यू जस्ट नीड टू बाय देयर वर्क. सो या सो आई थिंक आर्ट को अपने बाहर मत ढूंढिए, वो आप ही के अंदर है, वो मान के चलिए और वो कोई अलग एंटिटी नहीं है. आई थिंक दैट्स माय मैसेज टू यू. आपने जो कहा तो उसके हिसाब से हमारे सारे जो भी व्यूअर्स है उनके काफी अलग क्षेत्र की झलक मिली आपकी वजह से. और बस अंत में मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू देवांशी.